इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि चंदन क्यारी थाना क्षेत्र के लाघला में मुख्य सूचना के आधार पर चंदन क्यारी थाना उपी प्रभारी चंचल कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा छापेमारी कर अवैध कच्चा कोयला लादकर ले जा रहे चार मोटरसाइकिल एवं चालक को पकड़ा और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी चंचल कुमार ने बताया कि झरिया की ओर से चंदन क्यारी रोड में चार मोटरसाइकिल अवैध कोयला लेकर बंगाल जा रहा था। लाघला में पुलिस बल के साथ छापेमारी कर चारों मोटरसाइकिल एवं उसके चालक को खदेड़ कर पकड़ा गया। लगभग 2 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया। वहीं 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तभी काफी समय से धनबाद जिले के भौरा क्षेत्र से कोयला लादकर बंगाल ले जा रहा था। सभी धनबाद जिला का रहने वाला है। मामला दर्ज करने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। आगे भी छापेमारी चलता रहेगा। इस तरह की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। बताते चले कि इन दिनों कोयला माफियाओं द्वारा बाइक वालों की मदद से काफी संख्या में अवैध कोयला बंगाल भेजा जा रहा है। आज सुबह में सूचना प्राप्त हुआ करीब 8-10 में कि झड़िया रोड से चंदन क्यारी होते हुए बंगाल मोटरसाइकिल में अवैध कोयला लेके जाया जा रहा था। इसमें हम लोग टीम बनाकर इजरी नदी लाखला में कैंप किए तो वहाँ पर हम लोग गए तो 4 मोटरसाइकिल जिस पर करीब 1.5 टन 2 टन अवैध कच्चा कोयला पाया गया। इसमें मोटरसाइकिल और कच्चा कोयला को जब्त कर तथा चारों अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाया गया है और गिरफ्तार कर उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कितने मोटरसाइकिल से? 4 मोटरसाइकिल है जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं है तथा रजिस्ट्रेशन और चेचिस नंबर को भी मिटाया गया है उसमें पूर्व से। सुनने को मिल रहा था इस तरह का मोटरसाइकिल से अब बड़ी मात्रा में बढ़ गया है क्षेत्र में कोयला अवैध कोयला ले जाने वाला। लगातार छापामारी की जा रही है, पूर्णतः अंकुश लगाया जा रहा है।